आप अपने घर का एक टन का एसी आप पूरा दिन उसको विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसको चला सकती हैं सिर्फ और सिर्फ फोर प्लेट के साथ, यानी कि किसान को भी बिजली का बिल 1% भी नहीं आएगा। क्या बात है, हम जो पैकेज आपको दे रहे हैं 1,20,000 रुपए का हम वो पैकेज दे रहे हैं जिसमें 4 प्लेटें हैं, बैटरी है, इन्वर्टर है, और यही पैकेज बड़ी कंपनियों वाले 3.5-4 लाख रुपए का लोगों को दे रहे हैं। हम वही पैकेज आपको 1,20,000 रुपए में दे रहे हैं। नाज़रीन, बिजली और गैस से जान छुड़वाएं, आज ही अपने घर के चूल्हे सोलर पे चलाएं। इस प्लेट के साथ इसको अगर कनेक्ट करते हैं चार्ज कंट्रोलर को, तो आप अपना मोबाइल जो भी चीज कहें चार्ज कर सकते हैं। असल और नकल सोलर प्लेट में क्या फर्क है? ये जो सी रिपोर्ट्स हैं ये इस चीज की निशानदेही और इसकी चीज का प्रूफ है कि ये जो प्लेट सेल हो रही है ये ओरिजिनल एक नंबर है कि नहीं है। सोलर रिपोर्ट्स में इसका सीरियल नंबर, जो ये सीरियल नंबर है जी जी, वो इस रिपोर्ट में होना इसका लाजमी है। अच्छा जी, ये लॉन्जी की ओरिजिनल प्लेट है, ये इसका सीरियल नंबर है, जिस पर नहीं लिखा होता, जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती, दैट मीन वो आपको बी पेयर प्लेट दे रहा मतलब है, मतलब दो नंबर प्लेट, जाली प्लेट दे, बी पेयर और अपना स्टिकर चेंज वाला माल आप पैनल आपको हमारी शॉप से किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा सर। सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं करता, हम आपको सोलर जो दे रहे हैं वो 25 साल उसकी लाइफ है और 25 साल आपकी बिजली बिल्कुल 101% फ्री जो ना वो चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हार रोड लाहौर। आपको पता है कि हार रोड लाहौर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से और सोलर के हवाले से जानी पहचानी पाकिस्तान की मार्केट है। आज इसी मार्केट में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि 2023 में सोलर पैनल का क्या होगा, आप कितने पैसों में अपना पूरा घर सोलर पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, कितने पैसों में आप एसी चला सकते हैं और कैसे आप लंबे लंबे बिलों से जान छुड़वा सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ओनर शहाब कुरैशी साहब, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप, खैरियत से? अल्लाह का करम, अल्लाह का बहुत एहसान। शहाब साहब, मुझे बताइएगा कि 2023 में जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, बिजली नायाब होती जा रही है, आप क्या देखते हैं 2023 में सोलर का क्या फ्यूचर होगा? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत थैंक्स करता हूं। लास्ट टाइम भी मेरी उन्होंने आपने आप लोगों ने अपना वीडियो बनाई थी जो लोगों ने बहुत पसंद की, वो कम और, से कम और, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो देखी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा आपके क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलूँ, आपके क्वेश्चन के मुताबिक के 2023 में क्या, 2023 में जो पोजिशन होगी इस टाइम जो बिजली के झटके आवाम को लग रहे हैं और मजीद झटकों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी आपके चैनल के वसातत से आम आवाम से दरख्वास्त ये है कि अपने घरों को फौरन से पहले आप सोलर पे कन्वर्ट करें। अगर आप सोलर पे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको बिजली का बहुत शदी किस्म का आगे जाके झटका लगने वाला है। और इसके अलावा आपके मार्केट में इस टाइम सोलर की पोजीशन जो है ना बहुत ही शदीद किस्म की क्रिटिकल हो रही है, यानी कि सोलर आपको मार्केट में एक किस्म का शॉर्टेज आने वाली है। तो शॉर्टेज की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने अपने घरों को, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने ट्यूबवेल्स को आप फौरन से पहले सोलर पे कन्वर्ट जो है ना वो फिल फॉर करवाएं आप। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दे देंगे, पैनल्स आप खुद बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। जी अपना ऐसा है कि हम इस टाइम लोकल मैनुफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसमें हम 170 से लेकर 410 वाट का पैनल लोकल मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं सुप्रीम के नाम से, जिसकी 10 ईयर की हम वारंटी देते हैं और 25 ईयर इसकी लाइफ है। इसके अलावा हमारी शॉप पर शाइन इलेक्ट्रॉनिक पर आपको ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल मिलेगा जो कि 101% डॉक्यूमेंट वाला माल होगा, बी पेयर और अपना स्टिकर चेंज वाला माल आप पैनल आपको हमारी शॉप से किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा सर। मुझे अब ये बताएं कि कितने पैसों में मेरे घर का एसी चलेगा? एहसान भाई, बात यह है कि अभी जो पोजीशन है, हमने जो अभी पैकेज निकाला है, तकरीबन आप 4 प्लेट आप सिर्फ और सिर्फ 540 वायर की 4 प्लेट्स लगाएं, 7 इन्वर्टर लगाएं, 7 बैटरीज लगाएं, आप अपने घर का 1 टन का एसी आप पूरा दिन उसको
विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आप उसको चला सकती हैं सिर्फ और सिर्फ फोर प्लेट के साथ। मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपना घर सोलर पे कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ वो कितने पैसों में होगा? आप अगर अपना घर हो सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो नॉर्मल अगर घर है जिसमें दो पंखे और दो तीन लाइटें हैं, वो पैकेज तकरीबन है 120,000 का वो पैकेज है, जिसमें इंक्लूडिंग 120 एम्पेयर की बैटरी है, चार इसमें प्लेट्स होंगी, साथ इन्वर्टर होगा, कम्प्लीट सिस्टम जो है ना वो 120,000 में हम आपकी वसासत जो आपके रेफरेंस से हमारे पास कस्टमर आएंगे उनके लिए ये पैकेज है 120,000 का हम आप कस्टमर को लगा के देंगे इन लाहौर सिटी में। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मार्केट में तो हज़ारों फैक्ट्रियां हज़ारों कंपनियां बैठी हैं, आपकी क्या क्वालिटी और कितना आप मुनासिब रेट पे कोट कर रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि बड़ी कंपनियों वालों ने एक कंपेन चलाई हुई है कि आप हालोड आएंगे और हालोड में आपको दो नंबर प्लेट जो है मिलेगी, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो प्लेट सेल कर रहे हैं वो ओरिजिनल एक नंबर प्लेट सेल करेंगे, ए ग्रेड प्लेट सेल करेंगे। असल में होता ये है कि कस्टमर को अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, हम कस्टमर को समझा सकते हैं कि ए ग्रेड की निशानी क्या है और बी ग्रेड की निशानी क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जब कंपनी से इम्पोर्ट का माल आता है, इम्पोर्ट जब होती है तो उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैं एंड आगे आके आपको उसके मैं डॉक्यूमेंट भी दिखाऊँगा। डॉक्यूमेंट जो आता है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि ये प्लेट एक नंबर है कि दो नंबर है। उस प्लेट के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट की आपकी जो पैकिंग लिस्ट होगी, जो उसमें अपना डाटा होगा उसमें सारा वो सीरियल नंबर लिखा होगा, दैट मीन कि वो प्लेट आपको ओरिजिनल ए ग्रेड प्लेट मिल रही है। अगर आप ए ग्रेड प्लेट यूज़ नहीं करते, अगर आप बी प्लेट यूज़ कर लेंगे तो दैट मीन आप अपने आप से अपने थोड़े से पैसे बचाने की खातर आप अपने आप को नुकसान करेंगे। उसमें थोड़ी सी अगर आपकी ज़रूरत हो मैं डिटेल ये दे दूँ, जो बी प्लेट होगी वो उसकी लाइफ डेढ़ दो साल बाद तीन साल बाद चलने के बाद उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी उसकी और इसके अलावा उसके जो से उसके ऊपर जो सा उसका वो मिरर होता है जो उसके ऊपर अपना शीट लगी होती है उसमें हल्के हल्के क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। तो दैट मीन कस्टमर फिर अपसेट होकर बाद दोबारा वापस आता है अपना दुकानदार के पास कि आपने हमें प्लेट क्या दे दी है। तो लेने से पहले एक बार उसके डॉक्यूमेंट चेक करें और ए ग्रेड प्लेट लें, उसकी लाइफ ज़्यादा है, उसकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम कोई किसी किस्म कोई भी नहीं आएगी सर इसमें। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरा माइंड है कि ये मेरे पास प्लेट है जी जी कि इसके थ्रू मैं अपना मोबाइल चार्ज करूं? बिल्कुल, उसमें 12 वोल्ट की प्लेट लगाएं, सादे के चार कंट्रोलर लगाएं, उसमें आप अपना 12 वोल्ट की उसमें आउटपुट लेकर आप उसमें जो है वो चला सकते हैं इजीली चला सकते हैं। नाज़रीन ये चार्ज कंट्रोलर है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने इस प्लेट के साथ इसको अगर कनेक्ट करते हैं चार्ज कंट्रोलर को तो आप अपना मोबाइल जो भी चीज़ कहें चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ जो चला सकते हैं, 12 वोल्ट बल्ब चला लें, 12 वोल्ट फैन जो था पड़ा हुआ है ये भी 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का कूलर आजकल आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आजकल सोलर पर चलने वाले हीटर आए हुए हैं, सोलर पर चलने वाले चूल्हे आए हुए हैं आजकल, वो 2000 वाट के 1500 वाट के वो अपना वो सोलर चूल्हे होते हैं, वो आप सोलर के साथ लगाएं पूरा दिन, आपको गैस की भी जरूरत जो है वो किसी किस्म की जो है कोई भी नहीं है सर इसमें। ज़बरदस्त, अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि नेट मीटरिंग क्या होती है? नेट मीटरिंग ये अपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, नेट मीटरिंग ये होती है कि सपोज एक कस्टमर है, हमारा एक कस्टमर है, उसने एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने के बाद उसकी जो प्रोडक्शन उसको मिल रही है वो तकरीबन 7500 से 8000 वाट उसको अगर मिल रहे हैं, कंप्लीट प्रोडक्शन उसकी आ रही है, उसका यूजेज उसका इस्तेमाल जो सा है वो 2000 वाट या 3000 वाट है, जो एक्स्ट्रा 5000 वाट उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी है वो नेट मीटरिंग के जरिए वापटा को सेल कर सकता है। अच्छा, वापटा मीटर लगा के दे रही है, डिमांड नोटिस जमा कराते हैं, मीटर लगता है, मीटर के जरिए जो इजाफी बिच रही है वो वापटा को सेल करेगी, वो आपके यूनिट में से डिटेक्ट होके आपको वो माइनस होके आपको जो है उसमें बेनिफिट जो है मिलेगा काफ़ी। अच्छा अब मेरा सवाल ये है कि पैनल तो आपसे लोग खरीद लेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास कोई माहिर टीम है जो इसको इंस्टॉल करेगी? बिल्कुल, हमारे देखे हर इंस्टॉलेशन का जो मेन दारोमदार है प्लेट्स वगैरह सब कुछ तो हो जाता है, नाड़ी अगर इलेक्ट्रिशियन उसको लगाता है तो वो प्लेटें और इन्वर्टर जल्द अज जल्द ख़राब होने का बड़ा अंदेशा है, पर बात यह कि जो हमारे जो अपना टेक्नीशियन है बड़े क्वालिफाइड टेक्नीशियन है उन वो कंप्लीट अपना जो स्टैंडर्ड है पैरामीटर है उनके मुताबिक मतलब वायर जो सी है वो ए ग्रेड वायर यूज़ करेंगे और स्ट्रक्चर जो से है वो अपना 14 गेज का गैल्वनाइज स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे और कंप्लीट सारी सेफ्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो काम कंप्लीट करके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करवा के फिर जो हमारे बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि असल और नकल सोलर प्लेट में क्या फ़र्क है?
जी ये मैं आपको वो चीज़ बताने लगा जो आपको कोई भी दुकानदार नहीं बता पाता। अच्छा, नहीं बता पाता। इसमें ये है कि जब कंपनी जब आपका एक सोलर पैनल की एक लॉट बना देती है और उसके बाद एक SGS अमेरिकन कंपनी है, SGS जो कंपनी है वो इंस्पेक्शन करती है आपके सारे सोलर पैनल को, सोलर पैनल एक एक प्लेट को इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जिसको PSI रिपोर्ट कहते हैं। PSI रिपोर्ट में बेसिकली ये होता है कि आपका कंप्लीट इंस्पेक्शन होती है हर एक एक प्लेट की, और हर एक प्लेट का सीरियल नंबर जो सा है ना वो इसमें मेंशन किया जाता है। ये प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये इसकी अपना SGS रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ये इनसे जो है ना अप्रूव होता है और कंप्लीट होता है। Okay. ये जो सी रिपोर्ट्स हैं ये इस चीज़ की निशानदेही और इसकी चीज़ का प्रूफ है कि ये जो प्लेट सेल हो रही है ये ओरिजिनल एक नंबर है कि नहीं है। Okay. ये रिपोर्ट जो है इस चीज़ का वाजे सबूत है। जब भी आपने सोलर प्लेट्स लेनी है आपने उसकी रिपोर्ट जरूर चेक करनी है। उस सोलर रिपोर्ट्स में इसका सीरियल नंबर जो ये सीरियल नंबर है जी जी वो इस रिपोर्ट में होना इसका लाजमी है। अच्छा जी, ये लॉन्जी की ओरिजिनल प्लेट है, ये इसका सीरियल नंबर है। Okay. जो मैं आपको प्लेट जो आपको मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ उसमें इसका सीरियल नंबर लाजमी हरल में लिखा होता है। ठीक है, जिस पर नहीं लिखा होता जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती दैट मीन वो आपको बी पेयर प्लेट दे रहा है, मतलब दो नंबर प्लेट जाली प्लेट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुना है कि आजकल लोग जहेज में अपनी बेटियों को सोलर पैनल्स दे रहे हैं मुख्तलिफ फ्रिज की। आप इस बात को यकीनन ऐसा ही है, पहले लोग अपने बेटियों को जहेज में गाड़ियाँ मोटर बाइक वगैरह जो था ना वो दे रहे थे, पर अभी सोलर पैनल कंप्लीट लगा के दे रहे हैं। हाँ। आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक जितनी सरकारी इमारतें हैं उनको जो था ना वो सोलर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकारी तौर पर वो लोग अगर कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम सूरज से सोलर लें और उसको हम यूटिलाइज करें। इसमें वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। देखें अगर वन कनाल का घर का जो है उसका अप्रॉक्सीमेट 1000 से लेकर 1200 यूनिट उसका मंथली बिल आता है। 1200 यूनिट का मतलब है कि तकरीबन 50,000 उसका बिल आएगा। अगर आप एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट आजकल 8,50,000 हुई है, ये सिस्टम अगर आप बड़ी कंपनियों से जाके लगवाएंगे यही सिस्टम आपको 12 लाख रुपये में वो सिस्टम लगा के देंगे। हम आपको ये सिस्टम 8.5 लाख रुपए में आजकल में लगा के दे रहे हैं। ये सिस्टम लगने के बाद आपका जो मंथली यूनिट है 600 to 700 यूनिट आपकी प्रोडक्शन होगी। दैट मीन आपका एहसान भाई दैट मीन आपका जो सा बिजली का बिल है अप्रोक्सीमेट 200 यूनिट या मैक्सिमम 300 यूनिट का आपका बिजली का बिल आएगा। दैट मीन आप तकरीबन 8,000 से लेकर 12,000 रुपये का आपका मंथली बिल आएगा। दैट मीन आपको अप्रॉक्सीमेट 30,000 to 35,000 की महीने की आपको बचत होगी 101%। ठीक है, अच्छा आपने सारे जितने भी लोग हमको कवर किया हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी, अब हमारी बैकबोन तो किसान है उनके बारे में आपने बताया ही नहीं। ये आपका क्वेश्चन सबसे पहला होना चाहिए था, जो किसान है हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि किसान खुशहाल है और खुशहाल है तो मुल्क भी खुशहाल है। किसान को महीने का जो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 4 से लेकर 5-6 लाख रुपए का उसका बिल आता है, बेचारे की जान बनी होती है जब उसने बिल देना, तो उसका एक बार का एक्सपेंस है। एक बार का अगर 5 किलोवाट का 5 HP की मोटर है या 10 HP की मोटर है, एक बार का अगर उसका एक्सपेंस है वो उस कंप्लीट सोलर पे अपना करा लेता है, तो दैट मीन आपका पूरा का पूरा डे लाइट में जो आपका जो मोटर चलेगी, पंप चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा, वो कंप्लीट सारा सोलर पे चलेगा। दैट यानी कि किसान को भी बिजली का बिल 1% भी नहीं आएगा। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि सारी डिटेल आपने डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि जितने उनके माइंड में सवाल थे हमने सारे कवर कर दिए। अगर आपको विजिट करना चाह रहा, आपसे लगवाना चाह रहा, रब्ता करना चाह रहा, क्या तरीका कार है? नीचे एक तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो रिक्वायरमेंट है काइंडली आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना घर का लोड बताएं कि Okay. आपके घर में क्या क्या चल रहा है, हम आपको उसके मुताबिक कोटेशन सेंड करेंगे। इन सिटी में अगर कोई सर्वे भी कराना है, कोई विजिट भी करना है, वो आप हमें कॉल करें, हमें बताएं कि ये हमारा घर का लोड है और हम अपना बंदा भिजवा के विजिट कराएंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपना इंस्टॉलेशन भी करके देंगे। हाल रोड मेन हाल रोड पर आपने तशरीफ़ लाना है, मिज़ान बैंक के ऑपोजिट शॉप है, शाहीन इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर।
ठीक है, मेरे ख्याल में आप मुझे इजाज़त। आपकी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, आज मैंने डिटेल में बात की कि आप कितने पैसों में पूरा घर सोलर पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, एसी कितने में लगवा सकते हैं, ट्यूबवेल कितने में लगता है, तमाम डिटेल आपको देना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 2023 में जैसे मुझे था कि आपको मैं 2023 के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें डिटेल में बताऊँ। नाज़रीन, इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस मुश्किल को हमने ही निकालना है, हमने ही पाकिस्तान के पहिए बनना है, टायर बनना है, इसी के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने घरों को, अपने जितनी भी चीज़ें, इनको सोलर पे कन्वर्ट करवाना है, ताकि पाकिस्तान इस जैसी दलदल से निकल सके। घरों को फौरन से पहले सोलर पे कन्वर्ट करें, आपका मंथली बिल जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा आपका। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।